मुंबई के एक मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक ने एक बार इंसानों के मानसिकता को जांच करने के लिए एक भिखारी के वेश धारण करके सड़कों पर बैठ गए थे। उन्हें यह भी देखना था कि एक गरीब और लाचार इंसान के प्रति आम आदमी कैसे बर्ताव करते हैं। तब जब वो भिखारी के वेश धारण कर बैठे थे, रास्तों से घंटों तक लोग आ जा रहे थे, लेकिन अफसोस उनमें से किसी के अंदर भी थोड़ा सा भी दया नहीं हुआ था। तब एक आदमी ने उनके कटोरे में 2 रुपए का एक सिक्का देकर ऐसे भाव खा रहा था जैसे उनके तरह इंसान पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। इस घटना के कुछ ही घंटे बाद वहां से और एक आदमी गुजर रहा था। तब उस भिखारी ने उसे कहा कि सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया है। उसने जिस इंसान से खाना मांगा था उसके पास भी कोई भी पैसा नहीं था। तब उस आदमी ने कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अपना टिफिन बॉक्स उस भिखारी के हाथों में थमा दिए थे। तब उस भिखारी ने उसे देखकर कहा, मैं पूरे दिन से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ पर मुझे किसी ने भी थोड़ा सा भी मदद नहीं किया है, लेकिन महाशय आप क्यों यहाँ पर रुक गए? तब उस आदमी ने जवाब में कहा, जी मैं भूखा रहने का दर्द समझता हूँ। पूरे दिन भर बहुत कड़ी मेहनत के बाद मुझे बस 2 वक्त का ही खाना नसीब होता है और इसीलिए जब आपने कहा कि आप भूखे हो तो मैंने आपका मदद कर दिया। तब ये सब सुनकर उस भिखारी के बेस में उस अमीर इंसान ने कहा, इस दुनिया में आप जैसा इंसान और भी चाहिए। पूरे दिन से कितने अमीर और रईस इंसान मेरे पास से गुजर कर चले गए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ एक बार भी पलट कर भी नहीं देखा, पर आपके पास सिर्फ एक खाना ही था फिर भी आपने मुझे वो दे दिया। तब उस अमीर इंसान ने उसे 2 लाख रुपए की एक चेक लिखकर उसे यही कहा था कि इन पैसों से वो अपने लिए कुछ करे। इसके बाद वो चेक लेने के बाद उस पैसों से उस आदमी ने व्यापार करना शुरू कर दिया था और कुछ ही सालों के बाद वो भी एक अमीर आदमी बन चुका था। तब उसने एक गरीब अनाथ और असहाय लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का भी बिल्ड किया था। इसके कुछ महीने बाद एक दिन एक कॉर्पोरेट मीटिंग में उस आदमी के साथ उस भिखारी के रूप धारण किए हुए उस बिलियनर से उसका मुलाकात हुई थी। तब दोनों के मुलाकात होने के बाद उसने उस 2 लाख रुपए से क्या क्या किया है और कितने बेबस लाचार और असहाय इंसान को सहारा दिया है वो उसने खुलकर बताया। दोस्तों, एक दूसरे को आपस में मदद करने से ही तो ये दुनिया खूबसूरत बनती है। आपके पास अगर पैसा है और आप कुछ इंसानों को साया दे सकते हैं तो उनमें से कुछ लोग काबिल बनकर दूसरे कुछ लोगों को जरूर साया देंगे, और इस तरीके से अगर इंसान इंसानों को मदद करने लगेंगे तो फिर दुनिया भी और ज्यादा खूबसूरत बनती चली जाएगी। दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके सारे कमेंट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करना, कमेंट पे बताना वीडियो कैसा लगा, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लेना या फिर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करके रखना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।